उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री भले ही दावे करते हों कि सड़कों में गड्ढे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जनपद फतेहपुर की कई सड़कें और संपर्क मार्गों पर जगह जगह बने गड्ढे न केवल लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं, बल्कि सरकार के दावों की भी पोल खोलते नजर आ रहे हैं। फतेहपुर टांडा मार्ग पर आज भी जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। जिले का मुख्य मार्ग होने के बाद भी ये गड्ढा युक्त बना हुआ है। गड्ढों के कारण इस सड़क पर दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इस सड़क के किनारे बसे लोग धूल और धुएं से परेशान हैं। इसी कारण इस सड़क को लोग आजकल धूल धुआं दुर्घटना मार्ग नाम से भी जानने लगे हैं। लोग गाड़ी लेके चलना मुश्किल है। पहली बात तो इतना लोड करके जाते हैं तो कोई वो नहीं पड़ता, देखते हो कितना खांचा है, कितने कितने गड्ढे हैं, पूरी रोड बेकार चल रही है। होती है धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, हम लोगों को कॉलेज विद्यालय जाना पड़ता है, यहीं से तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है भाई। दिन रात चलने वाली ये गड्ढा युक्त सड़क जिले के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, परंतु संबंधित विभाग के अधिकारी समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लोग पूरी तरह परेशान हैं। हालांकि जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनपद वासियों को क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है। सड़कों की बात करें तो मुझे 2014 के पहले की भी सड़कें याद है। आप बउआ रोड कभी जाते थे तो वहाँ गाड़ी गंदे पर घुस जाए, ऐसी गड्ढे सड़कें होती थी। तो मैं ये कहने के इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सड़कें बहुत, हाँ बरसात में कुछ सड़कें खराब हुई हैं, उनका काम शुरू हो रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने वादा और दावा दोनों किया था और कहा था कि प्रदेश में एक भी सड़क पर गड्ढे न दिखाई दें, लेकिन आज जब 4 साल सरकार को पूरे होने वाले हैं, 5वें साल में सरकार कदम रख रही है, ऐसे में सड़कों में ये गड्ढे बताते हैं कि योगी सरकार में भी अधिकारियों ने सीरियसली काम नहीं किया। फतेहपुर से टीम एन भारत।